नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राजेश खन्ना जी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा, जो कि है उनकी बायोग्राफी कुछ तो लोग कहेंगे से। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि राजेश खन्ना जी का घर एक हॉन्टेड हाउस था। आइए जानते हैं क्या इसमें कोई सच्चाई है या एक ये कोरी अफवाह है। आइए जानते हैं। बांद्रा पश्चिमी मुंबई का एक मशहूर उपनगर है। आज यहाँ का बांद्रा बैंड स्टैंड और उसके करीब की कार्टर रोड एक लैंडमार्क लोकेशन के रूप में जाने जाते हैं। समंदर के सामने बसे इस पॉश इलाके में आज कई बड़े फिल्म स्टार और बिजनेसमैन रहते हैं। गौर से देखें तो इन आलीशान बिल्डिंग्स और ऊंची इमारतों के बीच आज भी आपको सालों से यहां खड़ी कुछ जर्जर इमारतें और पुराने बंगले नजर आ जाएंगे। ये इमारतें और बंगले अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। 50 के दशक में कार्टर रोड पर कई बंगले हुआ करते थे। इनमें से ज्यादातर ईस्ट इंडियन और पारसी समुदाय के लोगों के थे। 60 के दशक में इसी कार्टर रोड पर समंदर के सामने वाला एक बंगला आशियाना था। उस दौर में हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ संगीतकार नौशाद का हुआ करता था ये बंगला। आशियाना के करीब ही एक और दुमंजिला बंगला था, जो बेहद जर्जर और बुरी हालत में था। फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन कहते हैं, आसपास के लोग इस बंगले को भूत बंगला कहा करते थे। कोई इसमें रहने को तैयार नहीं था। ये सालों तक बिना बिके खाली पड़ा रहा, जबकि इसका मालिक इसे बेहद सस्ती कीमत पर बेचने को तैयार था। अली पीटर जॉन के मुताबिक, जब अभिनेता राजेंद्र कुमार को इस बंगले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। उन्होंने मशहूर फिल्मकार बी.आर. चोपड़ा के पास जाकर कहा कि वो ना सिर्फ उनकी फिल्म कानून में, जिसमें कोई भी गाने नहीं थे, बल्कि दो और फिल्मों में काम करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें उनकी फीस एडवांस में दे दी जाए। कुछ सोचकर बी.आर. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को 90,000 रुपए दे दिए। राजेंद्र कुमार ने भूत बंगले के नाम से मशहूर वो बंगला 60,000 रुपए में खरीद लिया। इसके बाद राजेंद्र कुमार के करीबी दोस्त अभिनेता मनोज कुमार ने उन्हें सलाह दी कि वह इस घर में दाखिल होने से पहले एक विशेष पूजा करवाएं। राजेंद्र ने ऐसा ही किया। इस बंगले में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर इस घर का नाम डिम्पल रख दिया। कहते हैं कि इस घर ने राजेंद्र कुमार की किस्मत बदल दी। जिस दौर में वो इस बंगले में रहे, वो उनका सबसे सुनहरा दौर बन गया। उनकी ज्यादातर फिल्में जुबली मनाती थी, जिसकी वजह से वो जुबली कुमार के नाम से मशहूर हो गए। वे हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार बने और फिर कुछ साल बाद ये बंगला छोड़कर पाली हिल इलाके के अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। कार्टर रोड का ये बंगला, जो राजेंद्र कुमार के बेहतरीन दौर का गवाह था, अब एक नए मालिक की तलाश में था। इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराने वाला था। राजेश खन्ना को समंदर बेहद पसंद था। एक समुद्र के रुख वाला घर खरीदने का उनका पुराना सपना था। ये बंगला उनके अपने सपने के बेहद करीब लगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार से इस बंगले को खरीदने का मन बना लिया, लेकिन इस सौदे के लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत थी। इन्हीं दिनों मद्रास से एक निर्माता M.M. चिनप्पा देवर बम्बई आए। वो फिल्म बनाना चाहते थे। अपनी स्टोरी आइडिया के साथ वो राजेश खन्ना से मिलने में कामयाब हो गए। ये एक आदमी और उसके पालतू हाथियों की कहानी थी। इसे पहले तमिल में बनाया जा चुका था। फिल्म साइन करने के बदले देवर ने राजेश खन्ना को मोटी रकम देने की पेशकश की। राजेश खन्ना को बंगला खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी ही, देवर के ऑफर को वो ठुकरा ना सके। राजेश खन्ना के साथ फिल्म तयाग में काम कर चुके अभिनेता और टेलीविज़न प्रोड्यूसर धीरज कुमार बताते हैं, उन दिनों पूरी इंडस्ट्री में शोर था कि काका ने फिल्म के साइनिंग अमाउंट के तौर पर 5 लाख रुपए लिए हैं। ये बहुत बड़ी रकम थी। हमने तो 5 लाख रुपए कैश देखे तक नहीं थे। एक दिन फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान काका ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक सूटकेस दिखाकर बोले, इसे खोल कर देखो। मैंने देखा तो हैरान रह गया। अंदर नोट भरे हुए थे। मैं हैरत में था और काका सामने खास अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, पूरे 5 लाख हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो रुपए सिर्फ मुझे दिखाए थे। वो कई दिन तक रुपयों से भरा सूटकेस साथ लेकर चलते थे। कई लोगों को कमरे में बुलाकर उन्हें वो सूटकेस खोलकर दिखाते थे। वो खालिस पंजाबी थे। उनकी नज़र में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कोई उनकी तारीफ करता था तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से राजेश खन्ना ने इस भूत बंगले को खरीद लिया था और इसे नया नाम दिया था आशीर्वाद। राजेश खन्ना के पिता ने इस बंगले का नाम आशीर्वाद रखा था। इसके पीछे ये सोच थी
कि उनका बेटा हमेशा आशीर्वाद के साए में रहेगा। वो बोले, अगर जतिन से जलने वाला उसे खत में गाली भी देगा या बुराई लिखकर भेजेगा, तब भी पते के रूप में उसे राजेश खन्ना आशीर्वाद तो लिखना ही पड़ेगा। यानी राजेश खन्ना को अपने घर आने वाले हर खत हर संदेश के जरिए आशीर्वाद मिलता रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री के करीबी लोगों की मौजूदगी में एक विशेष पूजा और हवन के बाद बड़े धूमधाम से राजेश खन्ना अपने बंगले आशीर्वाद में दाखिल हुए। बेहद भावुक होकर उन्होंने इंडस्ट्री में अपने एक करीबी निर्माता निर्देशक से कहा, आज मैं अपने घर आ गया हूँ। ये चाय जी की दुआओं का असर है। जो बंगला भूत बंगले के नाम से फेमस था, लोग वहां जाने से कतराते थे, उसी बंगले में रहने से दो दो अभिनेता सुपरस्टार बन गए। ये भी एक लक की बात है दोस्तों। तो आज का वीडियो को लगाते हैं यहीं पर विराम। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।